हे गाइस, मैं हूँ SKT और आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिनका आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो 21 दिन से पहले आप बहुत इजी तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर 21 दिन से ज़्यादा हो गया है तो आपको एक फॉर्म लेना है और फॉर्म में सारे डिटेल्स फिल करनी है और आपको ब्लॉक में ले जाकर जमा करना है, फिर आप ब्लॉक से बनवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहेगा, उम्मीद है कुछ नया सीखेंगे आप। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर में कोई भी आप एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और आपको सर्च बार में टाइप करना है CRSORGI.gov.in। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है CRSORGI.gov.in। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है यूज़र लॉगिन। अगर आप पहले से आईडी क्रिएट कर लिए हैं तो यहाँ पर यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा सेम यहाँ पर फिलअप करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप नए यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जनरल पब्लिक साइन अप, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आप यूज़र नेम अपने हिसाब से टाइप करेंगे, यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे और यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप विलेज से हैं तो विलेज सेलेक्ट करेंगे, अगर आप टाउन से हैं तो टाउन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन यूनिट सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये कैप्चा यहाँ पर टाइप करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक मेल सेंड किया जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट योर यूज़र आईडी। अब आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना है, जो ईमेल आईडी आप टाइप किए थे। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ ईमेल आईडी। जैसा कि मेरे ईमेल आईडी पे एक मेल आया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी मिल जाएगा, यहाँ पर आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो चुका है और आपको नीचे यहाँ पर एक लिंक मिलता है, लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप यूज़र आईडी टाइप करेंगे, जो आपको ईमेल पे मिला है वो वाला यूज़र आईडी आप यहाँ पर टाइप करेंगे और अपने हिसाब से यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। फिर से वही पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्म में टाइप करेंगे और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, बर्थ और डेट। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए बर्थ पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है एट बर्थ रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सेकेंडरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर फॉर्म नंबर टाइप करेंगे। आपको फॉर्म नंबर पता नहीं होगा, अपने हिसाब से यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर देंगे और यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट ये रहने देंगे। यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, बच्चा कितनी तारीख को पैदा हुआ था वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से लिंक सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम टाइप करेंगे और यहाँ पर लास्ट नेम टाइप करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, फर्स्ट नेम कैसे टाइप करना है, मिडिल नेम कैसे टाइप करना है और लास्ट नेम कैसे टाइप करना है। अगर बच्चे का आधार कार्ड बन गया है तो यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे, फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है पैलेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर बच्चे का पैलेस सेलेक्ट करेंगे, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर हाउस नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर स्ट्रीट नेम टाइप करेंगे, यहाँ पर पिन कोड टाइप करेंगे, यहाँ पर फादर की इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे, यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम टाइप करेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम टाइप करेंगे, यहाँ पर उनका आधार नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर आप फादर की इंफॉर्मेशन टाइप कर देंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मदर इन्फॉर्मेशन,
मदर इन्फॉर्मेशन में मदर की इन्फॉर्मेशन टाइप करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, यहाँ पे मिडल नेम टाइप करेंगे और यहाँ पर लास्ट नेम टाइप करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट दिस टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे का जो पेरेंट्स है अभी कहाँ पे रहता है तो वो यहाँ पे एड्रेस टाइप करेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पे हाउस नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर स्ट्रीट या लेन का नेम टाइप करेंगे, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस टाइप करेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से विलेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पिन कोड टाइप करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस टाइप करेंगे। ये सारा चीज़ यहाँ से फिलअप कर देंगे और सेव पे क्लिक करके आप इसको सेव करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन भरने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आप ये सेलेक्ट करेंगे आप जहाँ पे रहते हैं वो विलेज है टाउन है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं विलेज में रहता हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ विलेज। यहाँ पे फादर और मदर की इन्फॉर्मेशन टाइप करेंगे, यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फादर की एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, अगर फादर पढ़े लिखे नहीं तो इलिटरेट पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फादर की ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, फादर क्या करते हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मदर की एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करेंगे, मदर कहाँ तक पढ़ी है, यहाँ से मदर की ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, मदर क्या करती है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइप फॉर अटेंशन एट डिलीवरी, यहाँ पे अटेंशन सेलेक्ट करेंगे, किस तरह से बच्चा हुआ है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिलीवरी मेथड सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल हुआ है किस तरह से हुआ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जन्म के टाइम बच्चे का वेट कितना था वो यहाँ पे टाइप करेंगे, फर्स्ट बार मदर की प्रेगनेंसी कितने दिन की हुई यहाँ पे टाइप करेंगे। आप नीचे की तरफ आएंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म, आपको यहाँ पर एक रिपोर्टिंग फॉर्म अपलोड करना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको रिपोर्टिंग फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपलोडिंग फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म में सारा डिटेल्स फिल करेंगे, नीचे की तरफ सिग्नेचर करेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फाइल का साइज मैक्सिमम 8 MB होना चाहिए, JPG PDF में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये सारा चीज़ यहाँ से फिलअप करने के बाद फिर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म की प्रीव्यू आ जाएगी, यहाँ पर आप चेक कर लेंगे आप जो भी डिटेल्स फिल किए हैं सही तरीके से फिल किए हैं नहीं है आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर उसमें कुछ गलती हो गया है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर ये सारा चीज़ सही है तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है सबमिट, सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी रिपोर्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपको इंतज़ार करना है 7 डेज से 15 डेज का। सबमिट पे क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे, सबमिट जैसे हो जाएगा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट रिपोर्टिंग फॉर्म। सबमिट होने के बाद आप रिपोर्टिंग फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपके सामने पेज आ जाएगा, इस तरह से आप उसको डाउनलोड करके रख लेंगे। इसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा, फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।